नमस्कार दोस्तों, पिछली दो वीडियोस में हमने दुनिया में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार देखे थे जो प्राचीन भारत में किए गए थे। आज के आधुनिक विज्ञान की नींव भारत में ही पड़ी थी, जिसके दम पर ये संसार आगे बढ़ा। इसी कड़ी में आज प्रस्तुत है ऐसे ही भारतीय आविष्कारों के विषय पर ये तीसरा और अंतिम वीडियो। आज की वीडियो के 10वें नंबर के आविष्कार के बारे में जानकर तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये आविष्कार भी भारत में ही हुआ था। इसके पहले के दो वीडियोस भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दोस्तों, इस कड़ी में पहला आविष्कार बड़ा ही रोचक है। ये है सांप सीढ़ी का खेल। हाँ, वही खेल जिसे हम स्नेक एंड लैडर के नाम से भी जानते हैं। ये हर घर में खेला जाने वाला खेल है, जिसे आज भी बड़े शौक से खेला जाता है। पर पहले इस खेल का नाम मोक्ष पाटम था। इसका अर्थ है मोक्ष की सीढ़ी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये खेल एक बोर्ड पर खेला जाता है, जिस पर 100 स्क्वायर बने होते हैं। इस बोर्ड पर कई सीढ़ियां और सांप भी बने रहते हैं। इस खेल को जीवन के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें सीढ़ियां अवसरों को दर्शाती हैं और सांप बाधाओं को दर्शाते हैं। ये खेल बच्चों को कर्म और मोक्ष के बारे में सीखने के लिए खिलाया जाता था। समय के साथ मोक्ष पाटम दुनिया के अन्य हिस्सों में भी फैल गया और फिर इसे अंग्रेजी नाम मिला स्नेक्स एंड लैडर। चलिए आते हैं अपने दूसरे आविष्कार पर, जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बताइए ये कौन है? ये है आइजैक न्यूटन। बड़ी मशहूर कहानी है कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके सिर पर पेड़ से एक सेब नीचे गिरा, जिसके बाद न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। पर क्या वाकई में यह कहानी सच है? क्योंकि प्राचीन भारत से मिलने वाले सबूत तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। सबसे पहला प्रमाण तो स्वयं ऋग्वेद ही देता है, जिसमें ये स्पष्ट लिखा है कि सौर मंडल का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव यानी ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी को स्थिर रखता है। यहाँ स्थिर का अर्थ ये है कि पृथ्वी सूर्य से बंधी हुई है, न कि ये कि पृथ्वी रुकी हुई है। ये तो आप सब मानेंगे ही कि ऋग्वेद न्यूटन के जन्म से हजारों साल पहले लिखे गए थे। वेदों के बाद ग्रेविटेशन के विचार को सबसे पहले संस्कृत भाषा में ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखा गया था। ब्रह्मगुप्त ने यह भी बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो वस्तुओं के बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिजिक्स में इस प्रकार के रिलेशन को इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। अफसोस कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ देने का श्रेय भी न्यूटन के पास है। ब्रह्मगुप्त के अलावा भास्कराचार्य ने भी अपनी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में लिखा है। उन्होंने पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ कैलकुलेशंस भी किए थे। किताबों में भले ही आप न्यूटन का नाम पढ़ें, पर अब आप जानते हैं कि सच्चाई क्या है। मित्रों, टॉयलेट हम सबके जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है और बहुत लोग ये मानते हैं कि टॉयलेट को भारत में पहली बार अंग्रेज लेकर आए। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो आज से 2500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में फ्लश टॉयलेट के अवशेष कैसे प्राप्त हुए? क्योंकि सच यही है कि फ्लश टॉयलेट भी दुनिया को भारत की ही देन है। जैसा मैंने बताया कि दुनिया के पहले फ्लश टॉयलेट सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में मिले हैं। ये टॉयलेट पत्थर से बने हैं और इनकी सीट में एक छेद है जो पानी के ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ है। मौर्य साम्राज्य में भी फ्लश टॉयलेट्स पाए गए हैं, जिनका वाटर ड्रेनेज सिस्टम और अधिक विकसित है। प्राचीन समय में फ्लश टॉयलेट का मिलना ये स्पष्ट करता है कि हम भारतीय निजी साफ सफाई और अपने आसपास की स्वच्छता को लेकर कितने सजग थे। अगला आविष्कार है प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कार का श्रेय भी भारत के ही नाम है। महर्षि सुश्रुत द्वारा प्लास्टिक सर्जरी की खोज के बारे में बहुत से प्रमाण हैं, जिन्होंने 600 BC पहले इस प्रक्रिया को अंजाम दिया था। वैसे सुश्रुत से भी पहले स्वयं भगवान शिव द्वारा प्लास्टिक सर्जरी करने का उदाहरण भी मिलता है, जिसमें उन्होंने अपने पुत्र भगवान गणेश के सिर के स्थान पर हाथी का सिर लगाया था। इस प्रकार से देखा जाए तो प्लास्टिक सर्जरी का इतिहास वैदिक काल से भी पहले का हो जाता है। हालांकि अगर लिखित प्रमाणों की माने तो आज भी महर्षि सुश्रुत को ही पहली प्लास्टिक सर्जरी करने का श्रेय दिया जाता है। अपने ग्रंथ सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने कई प्रकार के अंगों के लिए प्लास्टिक सर्जरी का विवरण दिया है, जैसे राइनोप्लास्टी, जिसमें नाक की बनावट सही की जाती है,
ऑटोप्लास्टी जिसमें कान की सर्जरी की जाती है, क्लेफ्ट लिप पैलेट सर्जरी जिसमें कटे हुए होठों को ठीक किया जाता है। इन सबके अलावा ट्यूमर को हटाना, जले हुए अंग की मरम्मत और चेहरे को ठीक करना भी इस सर्जरी का हिस्सा है। चलिए अब चलते हैं सौर मंडल की सैर पर और जानते हैं कि हीलियोसेंट्रिक थ्योरी यानी सूर्य केंद्रित सिद्धांत क्या है। इस थ्योरी के अनुसार सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम में पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और सूर्य इन सब ग्रहों के बीच में है। हालांकि पश्चिमी देशों से प्रभावित भारतीय आज भी यही कहेंगे कि हीलियोसेंट्रिक थ्योरी सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस ने 1543 में दी थी, जबकि सच्चाई तो कोपरनिकस से हजारों साल पहले लिखी जा चुकी है। दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेख है कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। एक और प्राचीन ग्रंथ सूर्य सिद्धांत भी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में वर्णन करता है। इनके अलावा इस थ्योरी का उल्लेख आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य सहित कई भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स के कार्यों में किया गया है। इनके कार्यों में बहुत से ऐसे कैलकुलेशन देखने को मिल जाते हैं जो इस थ्योरी को सिद्ध करते हैं। यहाँ गणित का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, स्वस्थ और मजबूत दांत हर किसी को पसंद होते हैं। दांतों में किसी भी प्रकार का रोग या कष्ट का उपचार भी वैसे किया जाना चाहिए जैसे शरीर के बाकी अंगों का किया जाता है। दांतों के उपचार के लिए दंत चिकित्सा यानी डेंटिस्ट्री मेडिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण भाग है। प्राचीन भारत में दंत चिकित्सा का वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है, जिसमें दांत निकालने, दांतों के गड्ढों को भरने और यहाँ तक कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट का तरीका भी शामिल है। सुश्रुत संहिता ओरल हाइजीन यानी मौखिक स्वच्छता के महत्व पर भी चर्चा करती है। इसमें यह सलाह भी दी गई है कि जड़ी बूटियों से बने पेस्ट से दांतों पर ब्रश किया जाए और भोजन के कणों को हटाने के लिए टूथपिक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक और प्राचीन ग्रंथ रस रत्नाकर दांत के ट्रांसप्लांट यानी नया दांत लगाने की भी चर्चा करता है। उस दौरान ये नकली दांत सोने से और हाथी के दांतों से बनाए जाते थे। इन नकली दांतों को जबड़े की हड्डी में डाल के सेट किया जाता था। रूट कैनाल, नकली दांत लगाना और अन्य कई तरीके जो सुश्रुत संहिता और रस रत्नाकर में दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल आज भी डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि हवाई जहाज हमेशा एयरपोर्ट पर लैंड करता है। ठीक उसी प्रकार पानी का जहाज यानी शिप जहां से चलना शुरू करते हैं या जहां आकर रुकते हैं उस जगह को सी पोर्ट या सी डॉक या बंदरगाह कहा जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे पहले बंदरगाह बनाने का श्रेय भारत को ही जाता है। दुनिया का सबसे पहला समुद्री बंदरगाह भारत के गुजरात में स्थित हड़प्पा बंदरगाह लोथल शहर में बनाया गया था। यानी बंदरगाह का पहला प्रमाण 3000 BC के आसपास का है। सोचिए कि भारत उस समय भी मरीन टेक्नोलॉजी यानी समुद्री प्रौद्योगिकी में कितना आगे था। जो हड़प्पा बंदरगाह के अवशेषों से प्राप्त हुआ है उससे ये सिद्ध होता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरों के प्रभाव से परिचित थे और इन तेज लहरों से बचने के लिए उन्होंने पक्की ईंटों से ऐसे स्ट्रक्चर्स तैयार किए थे जिनसे समुद्र की लहरों को रोका जा सके। हड़प्पा बंदरगाह से ये भी पता चलता है कि हड़प्पा वासी समुद्र के रास्ते से लंबी दूरी के व्यापार भी करते थे, क्योंकि वहां सामान की लोडिंग और अनलोडिंग करने की भी पूरी व्यवस्था मिली है। आज दुनिया भर में समुद्र के रास्ते जो भी व्यापार हो रहा है उसमें सी पोर्ट का बड़ा योगदान है और इसकी नींव सबसे पहले भारत में ही पड़ी। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं शहरों के नियोजन के बारे में यानी सिटी प्लानिंग। इसका प्रमाण भी सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदारो और हड़प्पा के शहर काफी एडवांस थे और उनमें ग्रिड जैसी सड़कों का जाल, पानी निकलने की व्यवस्था और पब्लिक टॉयलेट इत्यादि की पूरी सुविधा थी। बाद में सिटी प्लानिंग के सिद्धांतों को वास्तुशास्त्र और अर्थशास्त्र के ग्रंथों में विस्तार से लिखा गया। यहाँ प्राचीन भारत की सिटी प्लानिंग के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। शहर को ग्रिड जैसे पैटर्न में बनाया जाना चाहिए जिससे शहर में आवागमन आसान हो और शहर व्यवस्थित लगे। सड़कें चौड़ी होनी चाहिए जिससे सामान और लोगों का आना जाना ठीक से हो सके।
शहर में पानी निकलने की सुविधा होनी चाहिए जिससे उसे बाढ़ से रोका जा सके। शहर में पार्क, बाग और मंदिर जैसे स्थान होने चाहिए जहां लोग इकट्ठे हो सके। शहर एक ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां व्यापार आसानी से हो सके और संसाधन भी उपलब्ध हो। दोस्तों, पौधों से रेशे प्राप्त करना और उन रेशों से धागे बनाना अपने आप में एक कला है और ये कला भी सबसे पहले भारत में ही जन्मी। तो चलिए बात करते हैं प्राकृतिक रेशों के बारे में। इनके उदाहरण जैसे कपास, रेशम और ऊन का विवरण वेदों में दिया गया है। यहाँ तक कि रेशों की कताई, बुनाई और कपड़ों की रंगाई का उल्लेख भी प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। वैसे प्राकृतिक रेशों के इस्तेमाल का प्रमाण सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है, जहाँ स्पिंडल वर्ल और करघे के बाट पाए गए हैं। इन सबसे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग बुनाई में कुशल थे और वे कपास, ऊन और रेशम का उपयोग किया करते थे। गुप्त साम्राज्य के दौरान कपड़ा उद्योग अपने चरम पर पहुंच गया। उस दौरान कपड़े बनाने की नई टेक्निक्स को विकसित किया गया। आज भी भारत नेचुरल फाइबर्स के प्रोडक्शन में काफी आगे है। आज के समय में कपास, ऊन और रेशम के अलावा जूट, हेम्प और लिनन का भी उत्पादन किया जाता है। कपड़ा उद्योग लाखों लोगों के लिए रोजगार और आय का प्रमुख स्रोत है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अंतिम लेकिन आश्चर्यजनक आविष्कार की तरफ। कंप्यूटर्स की जब भी बात निकलती है तो इसके इतिहास में चार्ल्स बैबेज और लेडी लवलेस का नाम लिया जाता है। हम में से ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि कंप्यूटर की भाषा बाइनरी नंबर्स हैं। ये एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें किसी भी नंबर को केवल 0 और 1 के रूप में लिखा जाता है। कंप्यूटर केवल यही दो नंबर्स की भाषा को समझता है। कंप्यूटर की ये भाषा देने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत के ही ऋषि थे। बाइनरी नंबर्स की इस भाषा के बिना कंप्यूटर एक डब्बे के सिवा और कुछ नहीं है। बाइनरी नंबर सिस्टम देने का श्रेय सबसे पहले पिंगल ऋषि को जाता है, जो एक मैथमेटिशियन थे। पिंगल ने अपनी पुस्तक छंद शास्त्र में बाइनरी नंबर्स का वर्णन किया है, जो लगभग 3000 साल पहले लिखी गई थी। जैन संप्रदाय के लोगों ने भी बाइनरी नंबर्स का उपयोग किया था। जैनियों ने अपने 24 तीर्थंकरों की संख्या दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया। उदाहरण के लिए पहले तीर्थंकर के लिए बाइनरी कोड 0001 रखा गया और दूसरे तीर्थंकर के लिए कोड 0010 दिया गया। आज बाइनरी नंबर सिस्टम दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला नंबर सिस्टम है, जिसका उपयोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में किया जाता है। तो ये थे 10 ऐसे आविष्कार जिनकी नींव प्राचीन भारत में पड़ी और समय के साथ ये दुनिया भर में फैल गए, जहां इनका उपयोग विभिन्न प्रकार से किया गया। इसी विषय पर आधारित पिछली 2 वीडियो भी अवश्य देखें, जिनमें आपको और भी कई हैरान करने वाले आविष्कारों की जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। नमस्कार, जय महाकाल।